बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद आर्ट चैनल से मैं मिसेज हारूँ। आज आपको बकरे की कलेजी चाइनीज़ कॉन्टीनेंटल अंदाज में बनाना सिखा रही हूँ। हमारा अंदाज जो है थोड़ा हट के चटपटा सा होता है और चाइनीज़ और कॉन्टीनेंटल इसमें वेजिटेबल भी शामिल कर लेते हैं। वेजिटेबल का अंदाज जो है उससे बनी हुई स्पाइसी नहीं होती, ज़रा थोड़ी मिठास में होती है। हम वो बनाना सिखाएंगे। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं अभी कि आज हम बकरे की कलेजी लिए, ये 2 किलो है तकरीबन, इसकी हमने चकोर पीस काटे हैं इस तरीके से और इसको हमने फ्राई करके बनाना है। भुनी हुई यानी बकरे की कलेजी बनेगी। 2 किलो कलेजी है और 4 प्याज हमने बड़े साइज़ के लेके उनको इस तरह काटा है। सबसे पहले हमने प्याज फ्राई करना है और उसके बाद कलेजी ये डालेंगे और इसमें तकरीबन हमने 200 ग्राम जो है वो ऑयल शामिल करना है। इन 6 टेबल स्पून प्याज को हमने इस हद तक फ्राई करना है और अब हम इसमें कलेजी शामिल करते हैं। कलेजी शामिल करके थोड़ी देर इसको ढक देंगे क्योंकि ये पटाखे चलाने लग जाती होती है। थोड़ी खुश्क हो जाए फिर हम इसको फ्राई करते हैं। कलेजी का पानी खुश्क हो गया है और अब ये आसानी से फ्राई हो सकेगी। अब इसको हमने फ्राई करना है, अच्छे तरीके से इसको फ्राई करना है और इसको हम जो पाकिस्तानी स्टाइल है उससे थोड़ा सा हटके बना रहे हैं, चाइनीज़ या कॉन्टीनेंटल स्टाइल में बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसमें कोई सब्ज़ी या कोई और चीज़ शामिल नहीं करते प्याज लहसुन अदरक वगैरह के अलावा। तो आज हम आपको नए तरीके से बनाना सिखा रहे हैं, थोड़ा हट के अलग तरीके से। अब ऑयल में से हमने जो सारी कलेजी है उसको छन्नी के ज़रिए अच्छी तरह ऑयल ड्रेन कर देना है और ऑयल छानने के बाद अलग प्याले में निकाल लेना। अब हम जो ऑयल हमने छान लिया है उसमें से कलेजी को लैदा कर दिया और जो ऑयल है इसमें सबसे पहले टमाटर फ्राई करेंगे, हल्का सा फ्राई करना है इसको। टमाटर हल्के से फ्राई हो जाएंगे तो साथ ही ये हमने शिमला मिर्च शामिल करनी है। सब हमने लंबाई में काटी है। सब चीज़ें तेज़ आंच पे हमने फ्राई करनी है, स्लो आंच पे नहीं करनी क्योंकि बहुत कम फ्राई करनी है तो जल्दी जल्दी फ्राई हो जाता है। हल्की आंच पे चीज़ ज़्यादा गल जाती है और तेज़ आंच पे फौरी तौर पे फ्राई हो जाती है। बस इतना फ्राई करना है कि उनका पानी ड्राई हो जाए, इनके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी होता है वो सारा ड्राई हो जाए। अब इसमें हमने ग्रीन ऑनियन जो है वो शामिल करने हैं, तकरीबन हमने 2 लिए थे और काफ़ी बड़े बड़े थे इसलिए माशाल्लाह वो काफ़ी सारे लग रहे हैं 2 ही थे। इसी तरह हमने जो सब्ज़ मिर्च है वो भी इसी तरह लंबाई में काटी है। ये 6 मिर्चें हमने काटी हैं तो ये 12 पीस हो गए हैं तकरीबन और ये भी हमने इसी तरह शामिल कर दी है साथ में। अब इसमें हमने सॉस शामिल करने हैं। इसमें एक तो हमने सोया सॉस शामिल करना है, दूसरा चिली सॉस शामिल करना है और थोड़ा सा हमने 1 टेबल स्पून सेसमी ऑयल जो है वो शामिल करना है। फ्राई करते करते हमने सारी चीज़ें इसमें डालते जाना है। अपने 2 चम्मच हमने वाइट तिल डालने हैं,
तकरीबन 1.5 जो टेबल स्पून हमने नमक डालना है, 1 टीस्पून हमने हल्दी का डालना है, 1 टेबल स्पून हमने लाल मिर्च का डालना है, कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है, 1/4 जो है वो इन कॉर्न फ्लोर वो हमने 2 टेबलस्पून लिया है और 4 टेबलस्पून पानी इसमें शामिल करके उसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और अब हमने ये शामिल कर दिया। इनका पानी सारा हमने खुश करना है। 1 टेबलस्पून हमने बारबेक्यू सॉस भी डालना है और ये एंड में शामिल करना है। सारी चीज़ें पहले ही शामिल करनी है, एंड में बारबेक्यू सॉस शामिल करना है और तेज़ी से हिलाना है ताकि पानी भी ड्राई होते और सॉस भी मिक्स हो जाता है। अब हम कलेजी इसमें शामिल करेंगे। कलेजी को बकराईद पे मुस्लिम मौके पे जब आप बनाते हैं दूसरे तरीके से बनाते हैं, आप इंशाल्लाह आप इस तरीके से बना के देखेंगे तो आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगा। हम मुकम्मल तौर पे चाइनीज़ तो नहीं बन सकते लेकिन चाइनीज़ वाला जो स्टाइल है उससे हम कुछ ना कुछ चीज़ें पिक करते हैं और फिर उसके साथ हम जब रेसिपी बनाते हैं तो उसमें पाकिस्तानी मामला भी शामिल होते हैं। तो कई लोग परेशान हो जाते हैं ये पाकिस्तानी तरीका है ये, और ये तो पाकिस्तानी खानों में डलती है और ये चाइनीज़ में डलती है, ऐसा इशू जो है वो इससे सोचता है। हम मुकम्मल तौर पर चाइनीज़ नहीं खा सकते तो थोड़ा सा हम उसको टच देते हैं पाकिस्तानी और कुछ चाइनीज़। इस तरीके से मिले जुले तरीके से जब बनती है चीज़ तो फिर हमें पसंद भी आती है और कहते हैं बहुत अच्छी बनी, वरना कहते हैं कि ये तो नहीं खा सकती, ये तो मीठी है, बहुत मीठी है, ये इसको मीठा कैसे हो गया सालन। चलें ठीक है, अब ये तैयार हो चुकी है, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। जैसा कि हमने ये कलेजी आपको बकरे की तैयार करके दिखाई है मटन कलेजी के लिए, तो इसको जो हमने तरीका तैयार किया है वो कॉन्टिनेंटल भी है और कुछ ना कुछ पाकिस्तानी चाइनीज मिक्स तरीके से बनाई है, तो इंशाल्लाह आप ट्राई करें, आपको मज़ेदार लगेगी इस तरीके से भी और पाकिस्तानी तरीका भी हम बनाएंगे, वो आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी कि कैसे बनाते हैं, और ये इस तरीके से आप चेंज तरीके से ज़रा खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चाइनीज ज़्यादातर मुर्गी की कलेजी डालते हैं और हमने बकरे की डाली है, फ़र्क सिर्फ ये है। और इंशाल्लाह हमें दुआ में याद रखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो भी करें और हमें नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त दें। इसके साथ ही अल्लाह ने के पास।